भैंस भी जीत तैयार होते हुए घाटशिला के तरफ से देखना होगा। घाटशिला अगर देखा जाए तो इससे तो पहले चक्र में पराजित करते हुए दूसरे चक्र में पहुंचा था, लेकिन इस बार और एक था क्या किस्मत साथ देगा। सभी दर्शकों का सांस अभी भी फंकते हुए पहला शॉट लेने के लिए कप्तान सामा थोड़ा सा वाइड लेता हुआ शॉट गोल पोस्ट के अंदर एंटर करते हुए और टारगेट हेडी शॉट को 1-0 का बढ़त दिलाते हुए मनोज किसको तैयार सामने गोल कीपर ट्रैक्टर वार्म अप करते हुए ट्रैक्टर तैयार कोई गलती नहीं। इस बीच मनोज के शॉट कोई दिशा भटका नहीं और सही तरीके से दिशा पकड़ते दिशा के साथ तो अगला पंथा को भी अवलंबन किया जाएगा। अगला शॉट नहीं खिलाड़ी नहीं होगी 11 मीटर के दूर से पेनल्टी एरिया गोल एरिया के अंदर जैसे नंबर फीट भी गोविंद मुर्मू का आवाज हो चुका हो चुका है प्रदीप नायक के द्वारा और ये महा इसी का ही मैं गुंजाइश कर रहा था, इसी बारे में बोल रहा था कि अगले बार जो शॉट लेते हैं अगर स्कोर होता है तो अगले शॉट लेने वाले खिलाड़ी के लिए धुन भी मिलते हुए अगला शॉट खेच तैयार बंदे मातरम एफसी की तरफ से जसिन नंबर 11 के द्वारा तैयार सभी दर्शकों का भी इंतजार है। थोड़ा सा चूक देखने को मिला है और थोड़ा सा व्यक्तित्व में है टीम घाटशिला, लेकिन कोई डाउट नहीं आगे काफी सारा उम्मीद है। अच्छा से बहुत ही बेहतरीन से पटन के गोल की बात बहुत ही अच्छा से यहां पर रोका गया है। बबलू मरांडी को बेहतरीन इंटरसेप्शन मिला है और अच्छा बचाव के हैं तैयार घाटशिला एफसी की तरफ से। लखीदर का तैयारी क्या बेहतरीन छोटा तीन भाव पर गंभीर और बहुत ही बेहतरीन शब्द करते हुए गेम के साथ पूरी तरह से लुढ़क गए। जितना बड़ा गेम बना है उतना बड़ा गोलकीपर भी ये चौथा साथ रहेगा टीवी वंदे मातरम एफसी नंद्रा की तरफ से स्कोर लाइन 1-2 अभी भी बना हुआ है। घाटशिला 1-2 और ये स्कोर जैसे नंबर 9 कोई गलती नहीं की है मंगल हंसदा के द्वारा ये शॉट और स्कोर भी परिवर्तित होते हुए नौजवान खिलाड़ी जर्सी नंबर 9 शाम थोड़ी तैयार होते हुए धीरे धीरे पेनाल्टी शॉट की ओर बढ़ते हुए लेकिन वो भी निर्मल गोल की बात अरीगर अटक पकते हुए सीना तांपते हुए अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ अभी में अभी जीत हो इसको साबित करने के लिए तैयार होते हुए डॉक्टर हल्का सा वार्म अप धीरे धीरे ऊपर उछल कूद करते हुए जर्सी नंबर 9 उसी का आवाज क्या बेहतरीन सर और इससे क्या कहा जा पाएगा।